स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने मैकलोज मेथड के न्यूमेरिकल्स करे थे। आज हम डबल इंटीग्रेशन मेथड देखने वाले हैं। इसमें हम डबल इंटीग्रेशन मेथड की पहले इक्वेशन देखते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड की जो इक्वेशन होती है वो m इज इक्वल्स टू ई आई डी स्क्योर वाई बाय डी एक्स स्क्योर। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी डबल इंटीग्रेशन मेथड की इक्वेशन होती है। इसमें जो m है वो मोमेंट होता है सेक्शंस पे, डी स्क्योर वाई बाय डी एक्स स्क्योर। तो जब हम इसको पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स मिलेगा जो कि हमारा स्लोप होता है, और जब हम इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे तो हमको डिफ्लेक्शन मिलता है जो कि हमारा y होता है। तो इसके आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड के। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, जिस पे एक पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे। जैसे एक अपन फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक बीम है जिस पे सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है W। तो हमको यहाँ पे स्लोप निकालना है A और B पर कि कितनी स्लोप आएगी, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है जो कि W के अंडर आएगा C पर, वाई सी। अब सबसे पहले हम रिएक्शंस निकाल लेते हैं RA और RB पे। तो जैसे कि लोड सिमेट्रिक लग रहा है तो RA और RB पे हाफ हाफ हो जाएगा लोड का। तो W बाय टू और W बाय टू जो है यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, रिएक्शंस आ जाएगी। नाउ अब हम सेक्शन लेंगे MX। तो यहाँ पे मोमेंट लिखेंगे तो मोमेंट कितना हो जाएगा, MX इज इक्वल्स टू RA इंटू X। RA की वैल्यू पुट करेंगे तो W बाय टू इंटू एक्स। नाउ अभी जो M की वैल्यू है, हम डबल इंटीग्रेशन मेथड की जो इक्वेशन है हमारे पास M इज इक्वल्स टू ई आई डी स्क्योर वाई बाई डी एक्स स्क्योर, उसमें पुट करेंगे तो m हो जाएगा हमारे पास w बाई टू इंटू एक्स, और ये हो जाएगा ई आई डी स्क्योर वाई बाय डी एक्स स्क्योर। नाउ जब हम इसको पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्लोप, और जब दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिफ्लेक्शन। सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू w बाई टू इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्योर बाई टू एंड प्लस सी वन। सी वन जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारी क्या हो गई, स्लोप इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे हम C1 निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए जब L बाई टू है x तो वहाँ पे आपका जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम है। तो डिफ्लेक्शन अगर मैक्सिमम होता है तो वहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू L बाई टू स्लोप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो हमारी स्लोप इक्वेशन है उसमें डी वाई बाई डी एक्स जीरो रखेंगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ई आई इंटू जीरो, तो ये वाली टर्म जीरो हो गई। डब्ल्यू बाई टू इंटू एल स्क्योर बाय टू का होल स्क्योर प्लस सी वन। तो यहाँ पे आपकी सी वन की वैल्यू आ जाएगी, सी वन इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्योर बाय सिक्सटीन। सो हम ये जो सी वन की वैल्यू है ये हमारी स्लोप इक्वेशन में रख देंगे तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स स्क्योर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्योर बाई सिक्सटीन। नाउ जब हम इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आ जाएगी। सो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वापस सो पहले इंटीग्रेट करने के पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो हमको स्लोप फाइंड करना है ए पर। तो ए पर आपका एक्स कितना हो जाएगा, इधर देखिए जब हम a लेंगे तो x आपका कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो के लिए x पुट ज़ीरो पुट कर देंगे तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स एट ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई फोर इंटू ज़ीरो माइनस डब्ल्यू एल स्क्योर बाई सिक्सटीन। ये टर्म ज़ीरो हो गई तो ई आई इंटू, अब इसको हम थीटा a लिख सकते हैं डिवाई बाई डी एक्स को, तो डिवाई बाई डी एक्स को थीटा लिख दिया तो ई आई इंटू थीटा a इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्योर बाय सिक्सटीन। ई आई नीचे आ जाएगा तो थीटा आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्योर बाय सिक्सटीन ई आई। तो थीटा एंड थीटा भी इक्वल रहेंगे क्योंकि लोड सिमेट्रिक है। तो थीटा बी इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्योर बाय सिक्सटीन ई आई। इसका मतलब ये है कि जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होता है और उस पर सेंटर लोड लग रहा है तो वहाँ पर स्लोप कितनी आती है, डब्ल्यू एल स्क्योर बाय सिक्सटीन ई आई।
ये हमारी स्लोप आ गई। अब हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी स्लोप इक्वेशन थी उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारी स्लोप इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे देखिए, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स स्क्योर बाई टू बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्योर बाई सिक्सटीन। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई आई इंटू वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई फोर एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस डब्ल्यू एल स्क्योर बाई सिक्सटीन इंटू एक्स प्लस सी टू। अब सी टू निकालना है, तो सी टू निकालने के लिए हम एक बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू जीरो पे आपका डिफ्लेक्शन कितना है, वाई जीरो है। तो हम बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे एट एक्स इक्वल्स टू जीरो वाई इक्वल्स टू जीरो। सो इसमें डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम वाई जीरो रख देंगे और एक्स जीरो रख देंगे, तो वहाँ से हमारा सी टू कितना आ जाएगा, जीरो। और इस सी टू की वैल्यू डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ई आई इंटू वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई ट्वेल्व माइनस डब्ल्यू एल स्क्योर इंटू एक्स बाई सिक्सटीन। नाउ अब हमको फाइंड डिफ्लेक्शन कहाँ पे फाइंड करना है, सेंटर पे, मतलब एक्स इक्वल्स टू एल बाय टू पे। तो एक्स इक्वल्स टू एल बाय टू पे हम फाइंड करेंगे, तो एक्स की जगह यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स की जगह कितना पुट कर देंगे, एल बाय टू। तो यहाँ पे ई आई इंटू वाई सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई ट्वेल्व, एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्योर बाई सिक्सटीन, और एक्स की वैल्यू पुट कर दी एल बाई टू। इसको सोल्व करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई सी इजिकल्स टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई फोर्टी एट ई आई। मीन्स जो जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होता है और सेंटर पे पॉइंट लोड लगता है तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आता है, डब्ल्यू एल क्यूब बाई फोर्टी एट ई आई। और ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड साइड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।